और इस मसले पर देश की जनता को समझना चाहिए, देखना चाहिए और बहुत गंभीर। लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, प्लीज़ प्ले करिए। ये तस्वीरें हैं जालौन की। जानते हैं प्रदीप ये क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जुलाई को उद्घाटन किया था, 16 जुलाई को, ये हाल ही की 16 जुलाई को, यानी कि 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं। और 5 दिन के बाद ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की सड़क धस गई। 4 दिन के भीतर दम तोड़ दिया सड़क ने, 4 दिन में। प्रदीप जी, टाइटैनिक जहाज बनाने वालों ने बड़े बड़े दावे किए थे, कहा था कि यह जहाज कभी डूबेगा नहीं, और पहली यात्रा में डूब गया। ठीक वही हाल जो है आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का दिखाई दे रहा है। देखिए आपने तस्वीरें जी, बिल्कुल बिल्कुल देखा तिलक जी, बिल्कुल देखा। इस समय बारिश के अंदर आप तो रोहिलखंड की दिखा रहे हो, चाहे दिल्ली राजधानी हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, सड़क गायब हो गई है। अच्छा। आपको तो अगर मैं इंजीनियरिंग वाली बात करूं कि तार कोल का दुश्मन पानी है ये, और ये तो पूरे पूरे इस समय अच्छा, पूरे भारतवर्ष का हाल है भाई साहब। ये तो बहुत सर, बरसात में तार कोल का दुश्मन पानी है, मुझे तो मालूम ही नहीं था, आपने बता दिया। पहली चीज जी जी धन्यवाद। मैं एक चीज और बता दूं, जो सड़क बनाई गई है वो ठेकेदार के अधीन है और उसके बाउंड भरे गए हैं, उस सड़क को दोबारा रिपेयर या बनानी पड़ेगी उसको। अच्छा, मैं चीज को भी क्लियर कर दूं आपको पहले। हाँ, एक्सप्रेस वे को आपने जो है फीता काट दिया, आप मुझे ये कह रहे हैं? नहीं, आधे अधूरे देखिए, मीडिया ने पूरे एक्सप्रेस वे को दिखाया है शुरू से एंड तक, और आप अपने माध्यम से बोलना चाहते हैं तो मैं आपके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, क्योंकि आप जो है दुनिया देश दुनिया का आईना है और आईना झूठ नहीं बोलता है। अगर आप सच और आप ही झूठ का फैसला करेंगे बैठ के। नहीं सर, मैं सच और झूठ मैं तो तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे महज 4 दिन पहले उद्घाटन हुआ था, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ। पताल लोक में धस गई ये सड़क 4 दिन में। तिलक जी एक सरकार ने अपने समय में फीता काट के और उसे पूरा करा, और सरकारों की तरह नहीं थे कि फीता काटे हुए वर्षों बीत गए काम नहीं करा, मगर नियत काम करने की थी। ये वो रुहेलखंड है जहां सदैव किसी ने भी निगाह उठा के नहीं देखा, भूख और प्यास और रोटी के लिए तरसता रहा, वहां आपने एक्सप्रेस वे बचाया सबसे सस्ता सर, और 23 महीने के अंदर ये उपलब्धि। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि एक्सप्रेस वे वहां क्यों बनाया, मैं ये आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को समझिए, मैं ये कह रहा हूं एक्सप्रेस वे के निर्माण में और निर्माण के बाद कितना प्रचार हुआ, प्रचार के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च भी हो गए, और देश भर में तमाम बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री हजारों करोड़ रुपए कहीं खर्च नहीं हुए, मीडिया ने इसका दिखाया, कोई बैनर पोस्टर नहीं लगा। अच्छा। मैं थोड़ा सा आपको ठीक कर दूं, थोड़ा सा पहली चीज, जो आप सड़क की बात कर रहे हैं, जिस जो भी आज के टाइम के अंदर जो हाईवे बनता है, जो NHI बनवाए या कोई ठेकेदार बनाए, उसको उसको उसके बॉन्ड भर जाते इतने वर्ष तक मेंटेनेंस, तुझे इसको देखना पड़ेगा और इसकी गारंटी देनी पड़ेगी। हाँ। वो जमाने चले गए, लद गए कांग्रेस के टाइम के। भ्रष्टाचार नहीं है सर, पूरी पारदर्शिता है और भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। अफसोस हुआ कि नहीं? मैं कहता हूँ सर, ऐसा है, यहाँ तो उन लोगों को शर्म नहीं आ रही जिस पार्टी के मुखिया 400 BC में आए से अधिक संपत्ति में कोर्ट और जवाब देने भाग रहे हैं, और उनको बचाने के लिए स्टेट के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और ये शर्म की बात क्या होगी? नहीं तो मतलब ये तस्वीरें देख के कोई, ये तो बहुत सबसे बड़ी शर्म की बात क्या होगी आपको? कोई यानी कि चावला साहब ने आपसे पूछ लिया कि यूपी में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है? 5 साल में तो सरकार में आते भ्रष्टाचार, और आप अपने माध्यम से बोलना चाहते हैं तो मैं आपके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा।